कुछ तो गड़बड़ है दया। यहाँ सही से मार। आदत है। देखो जी जाओ, देखो ओ देखो उनकी बेइज्जती ना हो तो देखो पीछे से पानी लेके आ गए। सावरीमन दीदी लगा रही है झाड़ू अभी बिना पानी के, दिमाग थोड़ा कम यूज कर रही है। मैं पर चलो कोई बात नहीं, माफ कर देना, ऐसे बच्ची है दिमाग आ जाएगा थोड़ा थोड़ा अभी। यार लाइट नहीं आई जीजा, कहीं रात भर है ना, लाइट अंधेरे में तो नहीं गुजारना पड़ेगा आज। अरे नहीं लाइट आई। तो गाइस आप दिखाते हैं अपना घर कैसा मस्त है यार। हाँ वीडियो तो मैं बना रहा हूँ। हाँ खेत खुद दिखाया जीजा ने, खेत ये मेरे को देखता है दौड़ पर रहता। अटैक हो गया, अटैक अटैक हो गया, अटैक। जिसकी माँ जिसका बच्चा दोनों मेरे से डरते हैं, खौफ है मेरे मेरा। जीजा अपनी गाय है ये वाली, फिर डर क्यों रही है इतनी मेरे से भाई। मेरा तबेला देखोगे, ये मेरा तबेला है, इसमें मैं रहता हूँ, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। जीजा इसमें रात में कोई सोएगा तो नहीं? सोएगा। हाँ चल ठीक है, चलो ठीक है बढ़िया। और हमें ना स्प्लेंडर से कल जाने वाले हैं घर पे। स्प्लेंडर देखो यार 2002 मॉडल है, बिल्कुल ठीक है। और अब तक बंदे ने सजा के रखी है, भैया ने सजा के रखी है। सारा अंजर पंजर धुआं धुआं तो नहीं मारता ये? जहाँ मर्जी ले जाओ, बाजू नहीं आते ये लोग, तब तो फेंकना पड़ेगा उठा के। वैसे जलाने के लिए पत्थी रखी हुई है। इसमें आते हैं, इसमें इसमें बड़े जीजा, इसमें छोटे जीजा, उसमें सबसे छोटे जाओ जीजा। सो अभी अंदर जाके दिखाता हूँ बड़े मस्त है। अंदर बहुत अंधेरा है। लगा तो सब कुछ है और खड़ा तो कुछ नहीं है उस पे, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या जीजा ये हमारा जंगल है, हमारा बाग है, पक्का पक्का है सारा हमारा है। ये यहाँ से लेके वहाँ सड़क तक है भाई। सो है हमारा रास्ता है, ये भी हमारी है। ये यहाँ से वो घर बना है, वो घर भी आपने नहीं, वो घर। जीजा ने मेरे को इतना सारा दिखाया, मैं कह रहा हूँ मजाक कर रहे हैं मजाक कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है भाई, जीजा के पास है। तो फिलहाल तो यार जीजा का घर तो बड़ा मस्त है, मैंने जीजा का घर आपको दिखाया, कैसा लगा बताना कमेंट करके। और यहाँ पे एकदम शांत इलाके में बनाया जीजा ने घर भी। आज पूरा दिखा देंगे आपको क्या क्या चीज़ है हमारे पास। ये क्या है जीजा, खाने वाली चीज़ है? बड़ा है, बड़ा मस्त है। ये जीजा की डैडी है, नाक में पानी चला गया पीने के चक्कर में, चाहे कि फूल है ना इसमें चिपक जाते हैं, फिर ये बंद भूमि बन जाता है। ये हमारी फूल गोभी लगी हुई है, पर इसमें बैंगन नहीं लग रहा फिलहाल, तो अभी फूल ही लगा इसमें। ओ भाई फूल झाड़ दिया मैंने, जीजा ना देख ले। ये लगा दिया मैंने, देखा काला सा लगे हैं जीजा, व्हाइट बैंगन का पेड़ है ये, वो रहा काला बैंगन, तोड़ लो काले और लाल वाला, मेरे को दे दो जीजा। आप बोलो इसमें ना, मैं मुझे तरीका नहीं है बोलने का। नहीं आप जैसे भी बोलोगे अच्छे बोलोगे, बोलो। ये हमारे ना होने पे अच्छे तरीके से फल लगते हैं यहाँ पे। अच्छा ना होने पे अपने आप लग जाते हैं, जो घर पे है वो लगाते हैं सब। तो अपने तरफ से डर लग रहा, उसको लगा रहे हैं तब लग रहा है वो। हाँ तो हमारे तरफ से हम ना नहीं थे कभी, देखो खेतों में अच्छा क्या होता है, हमारे यहाँ की जमीन पे अच्छी उपजाऊ होती है। जीजा का नाम चलता है यहाँ सब जगह, जीजा अगर ना भी हो तो भी यहाँ पे सब्जियाँ सब्जियाँ फट जाती हैं, इसे कहते हैं तहलका। चलो घूमते हैं आपको। तो पापा अभी साइकिल बना रहे हैं, ये इनका कमरा है, ये बंदर सब यहाँ पे मजे मार रहे हैं।
ताला लगाने में मदद कर रही है, एक ताले को दो जने लगा रही है। तो दोस्तों आज मैं 12 बजे गया था यहाँ पे, पर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि यार हम वहाँ से जैसे आए थे ना बहुत ज़्यादा थके हुए थे और भाई बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी। तो बने रहना यार वीडियो में। अब मैं ना इसके बाद भाई क्या तोड़ दिया मैंने, क्या ये साग सूख है क्या? साग है लेकिन अब नहीं, अब कोई फायदा नहीं इसका, तोड़ दूँ मैं इसको, तोड़ देता हूँ ना ये वाला साग ठीक है। तो यार वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना यार। वैसे है ना मैं सोचा था रास्ते पे काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, बस के अंदर वीडियो बनाऊंगा शूट करूंगा, पर मैं कर नहीं पाया शूट क्योंकि यार मैंने देखा है मेरे को शर्म आती है काफ़ी ज़्यादा, मैं क्राउड एरिया में ना वीडियो बना नहीं पाता, शूट नहीं कर पाता क्योंकि यार वहाँ पे जो संख्या होती है ना पब्लिक की संख्या वो बहुत ज़्यादा होती है, उसके बीच में मैं नर्वस हो जाता हूँ, मैं शूट नहीं कर पाता। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और बने रहना, और मैं अब 2-3 वीडियो और बनाऊँगा। तो इसके बाद हम जाने वाले हैं अपनी छोटी दीदी के पास, एक सारे आ जाओ, सारे देख रहे हैं ना, सबको ले लेता हूँ, पीछे आ जाओ तुम सारे आ जाओगे। तो इसके बाद है ना मैं वीडियो डालने वाला हूँ छोटी दीदी का, बड़ी दीदी का, सबसे बड़ी दीदी का, तीन बहने हैं, तीनों का घर एक एक करके मैं शूट करूँगा, वीडियो शूट करूँगा और सबकी वीडियो पाऊँगा। तो गाँव में रहन सहन कैसा होता है हमारा सारा कुछ एक्सपीरियंस करके और आपको भी थोड़ा वीडियो दिखाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना और बने रहना, और कैसी लगी वीडियो भी बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।